हाय फ्रेंड, नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा जानकारी बता रहा हूँ दोस्तों, जिससे बिल्कुल ही आपकी गरीबी, आपकी दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। दोस्तों, जो मैं वीडियो में जानकारी बताऊंगा, शायद आपको YouTube में अभी तक कि किसी ने नहीं बताया होगा और शायद आगे भी चल कर कि कोई बताएंगे भी नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, बांदा, आपने नाम जरूर सुना होगा। बांदा एक दुर्लभ वनस्पति है दोस्तों। बांदा एक मतलब क्या होता है, एक ऐसा पौधा होता है, एक ऐसा परजीवी पौधा होता है जो कि भूमि में ना उग करके किसी पेड़ के ऊपर में उग जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो बेल होता है ना, बेर आप देखे होंगे जिसे आप खाते होंगे, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बेर के बांदे के फायदे बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होता है। बेर के बांदे अगर आपको मिल जाएं तो बिल्कुल ही आपको छोड़ना नहीं। वैसे बांदे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पीपल की बांदे, बरगद की, अनार की, गूगल की, नीम की, आम की, बेल की होती हैं, ठीक है। तो इनके बांदे जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, शुभ मुहूर्त में आपको इसे लाना है और आपको जो भी मांगेंगे, आप कामना करेंगे, आपको बिल्कुल ही देने वाले हैं। ये किसी कहा जाए तो अगर हिंदू भाई होंगे तो कल्प वृक्ष से कम नहीं है। तो आपको स्वाति नक्षत्र में मैं एक मंत्र बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। मैं आपको बता रहा हूँ, स्वाति नक्षत्र में आपको बेर के बांदे को ढूंढना है और आपको लाना है, और ला करके सीधे आपको जो हाथ होता है दोस्तों, बाएं हाथ में आपको इसे बांध देना है। चाहे आप चाहते हैं तो दोस्तों, दाहिने हाथ में लड़की है तो बांध सकती हैं, लड़के हैं तो बाएं हाथ में बांध सकते हैं। जिस वस्तु को आप चाहें उस वस्तु को उसी समय में ये बांधे प्रकट कर देती हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक मंत्र की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसे लाने की विधि स्वाति नक्षत्र है। जो भी आप कामना करेंगे, इसके सामने में जो भी बोलेंगे वह मिल जाते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, मुझे बेर के बांदे अभी तक के नहीं मिल पाए। आपको मिल जाए तो किस्मत से, तो आपको छोड़ना नहीं है। बांदे वही होते हैं जो कि पेड़ के ऊपर में दूसरा पेड़ लगा होता है। किसी भी पेड़ के ऊपर में अगर आपको बेर का पेड़ मिल जाते हैं तो इसे उखाड़ करके इसके जड़ी ले आना है, इसे ही हम बांदे कहते हैं। तो एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, इसे आपको थोड़ा सा जपना है। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा, ये लिखा हुआ है, वीडियो के नीचे में भी मैं लिख दूंगा। इसे जप करके जो बांदे होते हैं उसे आपको अपने हाथ में धारण करना है, पहनना है, और जो भी आप जिस भी वस्तु का कामना करेंगे दोस्तों, वह वस्तु उसी समय में बिल्कुल आप आज के छोटी सी जानकारी बांदे के संबंध में जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह के प्राचीन ज्ञान की जानकारी मिलती रहे, आप चाहते हैं कि अच्छे अच्छे जानकारी आपको भी मिले, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।